नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामनिवास ऐप देवराज तैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो लेके आ गया हूं कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन से आप मेरे जैसा थंबनेल कैसे बना पाओगे। तो मेरे जैसे थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक थंबनेल ये बैकग्राउंड बनाया और इसे अभी मैं डिफॉल्ट करके दोबारा बना के बताऊंगा। दोस्तों सिंपली से मैं इसे डिफॉल्ट कर लेता हूं, ओके कर देता हूं, उसके बाद न्यू टेक्स्ट को इसे डिलीट कर देता हूं। मैंने इसे डिलीट कर दिया और उसके बाद आपको सिंपली से आप नीचे ध्यान देते रहो, आपको ये दिखाई देगा और फर्स्ट में आपको दिखाई देगा 4 नंबर पे आपको क्लिक करना। नीचे आप इसे रोटेट करना चाहते हो, जिस मैंने रोटेट कर रखे आपको ये रोटेट नहीं दिखाई देगा। तो सिंपली दोस्तों अपने फोन का रोटेट बंद करके फोन को इस तरह अपन व्लॉगिंग वगैरह बनाते उस तरह करना है, तब ये हो जाएगा। उसके बाद कलर पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लियर पे क्लिक करोगे जैसे मैंने बना रखे, सिंपली से पहले तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज दिख रहा है आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल चूज कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको कलर ग्रांटेड में जाना है और उसके बाद अपने फोन में ये वाले कलर होंगे व्हाइट और इस तरह से या इस तरह से। तो सिंपली दोस्तों कुछ भाई ये इस साइड में ये थोड़ा ब्लैक रहना चाहिए और इधर व्हाइट, इसमें अपन कलर लगाएंगे। इसे ओके करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इस आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं जैसे ब्रश लेके आपको पूरा बता देता हूं दोस्तों, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो मैं टूल लेके आ गया हूं, आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको इधर दिखाई देगा ये वाला, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कलर चूज़ करता हूँ, जैसे मुझे अपन इधर कलर देख लेंगे, आप देखते रहना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करके, जैसे ये कलर है इस एरो को पूरा कर देना है। उसके बाद इधर ओके दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करके इसे ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करोगे तो दोस्तों ये अपना इस तरह से कुछ आ जाएगा और इस देख पा रहे इस तरह से हो गया। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा ब्लैक इधर कर देना है। उसके बाद ये ब्लैक वाला है, इस पर जैसे इस पर ऐसे क्लिक करना है, प्लस वाले एक आइकन पर क्लिक करना है, जैसे ये अपन को इधर लेके जाना है इस तरह से कुछ थोड़ा सा इस पट्टी में लेके जाना है, ताकि इसमें घुल मिल जाए और अपना कुछ इस तरह से थंबनेल रेडी हो जाए। और अपन इस पर सही का आइकन पे क्लिक करके इसे इस तरह से कर लेते हैं, इमेज साइज में देख लेते हैं अपना यूट्यूब थंबनेल है या कुछ और है। जैसे आप देख रहे हैं कस्टम है तो इसे यूट्यूब थंबनेल कर लेना है, क्योंकि वह दोबारा से यूट्यूब थंबनेल अपने। तो दोस्तों ये अपना यूट्यूब थंबनेल है, उसके बाद अपन को क्या करना है, आपको मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मटेरियल सारा मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना, जैसे अपन इधर इस पे क्लिक करेंगे तो अपन को सेप्स नाम का दिखाई देगा, ड्रॉ करना चाहिए सेप्स, सेप्स पे जैसे क्लिक करो एक सेप बना लेना, जैसे ये मैंने एक सेप बना लिया अपने हिसाब से। जैसे मैं एक बार इस तरह से रख लेता हूँ और इसे अपन इधर इसे पूरा कर देते हैं, उसके बाद अपन इसे भी काट सकते हैं, जैसे मैं इसे बना लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों इधर इसको सही वाले आइकन पे क्लिक करके, जैसे अपन सही वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली से आपको जाना है इधर ए वाले आइकन पे इस तरह से। इस तरह जाने के बाद आपको सिंपली से क्लिक करना है इसी में, अब दिखाई दे रहा है आपको, देखते रहना, धीरे कर लेना इसको और रोटेट में जाकर इसे -3 डिग्री कर देना है, जैसे -3 डिग्री कर देना है, जैसे इसे 3D रोटेट ये अपन को रोटेट में जैसे क्लिक करेंगे तो -3 डिग्री कर देना है। सिंपली दोस्तों इसे ध्यान से देखना है, तभी आप इसे रोटेट -3 डिग्री कर पाओगे। ये -3 डिग्री हो गया, उसके बाद सेव वाले आइकन पे क्लिक करके अपने इस तरह से कुछ इसे सेट कर देना है, आप देख पा रहे हो इस तरह से आपको सेट करना है और इसे लॉक कर देना है। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इस पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है, अपन एक बार इसे लॉक कर देते हैं ये थोड़ा हिलेना। उसके बाद जैसे मेरे को आपको क्या लिखना है, सिंपली दोस्तों प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे इस पर 2 बार टैप करना है, उसके बाद न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट पे इसको कट करके यहाँ पे मैंने तो लिख रखा है, मैंने मेरे क्लिकबोर्ड में लिख रखा है, जैसे मेरे जैसा थंबनेल बनाना सीखो, ये इस तरह से डन कर देना है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। जैसे आपको मैं वीडियो में थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसका अपन को कलर चेंज करना है, सिंपल वाले ए वाला आइकन पे क्लिक करना है, इसका फ्रंट भी चेंज करना है। सबसे पहले अपने सामने आएगा कलर, तो अपन कलर बनाएंगे, ग्रांटेड में जाएंगे, उसके बाद जैसे अपन कोई कलर लेते हैं इस पर मेज खाए, जिस तरह से अपन को मेज खाना है उस तरह से कलर ले लेना है। जैसे मैं कलर इस पर बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं इस पर कलर बना लेता हूँ, जैसे ये कि इस तरह से अपन को दिखाई देगा ये इस तरह से अपने हिसाब से, और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, कलर वाला आइकन पे क्लिक करना है। सिंपली दोस्तों कुछ इस तरह से कर देना है, इसके बाद देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये अपन कर देते हैं, जैसे अपन देखते हैं इस पर कैसा दिखाई दे रहा है, ओके करते हैं और इसे प्लस कर देते हैं, जैसे दोस्तों प्लस करके इसको घुल मिल मिला देते हैं इस तरह से, इसको ब्लैक वाले को थोड़ा रखते हैं और इसको इधर थोड़ा सा इस तरह से मर्ज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अगर देख पा रहे इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूंगा ना, तभी आपको दिखाई देगा इसका। अपन जैसे अपन ए भी फ्रंट में जाएंगे, हाँ इस मटेरियल का आप जैसे मटेरियल है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अपन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ पिक्सल लैब के फ्रंट से, आप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। अब देख पा रहे हो मेरे जैसा थंबनेल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैं आपको अच्छा लग रहा है तो बता देना। ये देखो थोड़ा सा मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला देख लेते हैं, साइज़ बढ़ाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद अपन इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने इस तरह से साइज़ बढ़ा दी, जैसे कलर पर सिर्फ क्लिक करते हैं फिर से वो वाला रखते हैं अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसको रोटेट करना है, -3 डिग्री पर इसको रोटेट करके इसमें छोड़ देना है, अपन देखते हैं इस पर रोटेट करते हैं, रोटेट पे क्लिक करेंगे -3 डिग्री कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे -3 डिग्री आपको दिखा 7 5 3 5 3 डिग्री, और सेव वाले आइकन पे क्लिक करके कुछ इस तरह से इसमें सेट कर देंगे, जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह से कुछ सेट कर देंगे, आप देख पा रहे हो ये अपना कुछ इस तरह से सेट हो गया। इसको थोड़ा अपन को इस तरह रखते हैं, अपनी PNG भी साथ में आनी चाहिए इस तरह से, आप देख पा रहे हो इसे थोड़ा अपन रोटेट थोड़ा ज़्यादा करना है, इसमें मर्ज नहीं हो रहा है, इधर ऐसा लग रहा है कि जैसे रोटेट में जाते हैं -3 डिग्री है, अपन इसमें प्लस कर देते हैं -7 डिग्री कर देते हैं इसमें 5 डिग्री, अब देख पा रहे हो अब इसमें ये ऐसा लग रहा है कि अपने
इसमें सेट हो रहा है। आप देख पा रहे हो मेरे जैसा खुलने लिया। इसमें फिर से मैं क्लिक करके इसमें -3 करता हूँ, ये अच्छा लगता है। पहले भी अपन देखते हैं -3 डिग्री -3 डिग्री 4 5 3 डिग्री सही कर देते हैं। और इसके बाद इसे अपन को इस तरह से सेट कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने इस तरह से कुछ इस तरह से सेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऊपर की साइड में सेट कर देते हैं। मेरा जैसा थंबनेल कैसे बनाए, मेरे जैसा थंबनेल बनाना सीखो, कुछ इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्या थोड़ा बंद करना है इसमें अपन को, थोड़ा सा इसकी साइज थोड़ी छोटी करनी है, क्योंकि इधर अपन को बनाना भी साथ में लिखना है और अच्छा भी लगाना है, साथ में फोटो भी ऐड करनी है। सिंपली आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस पे दो बार टैप करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे मैंने तो लिख रखा है मेरे जैसा थंबनेल, जैसे मैंने क्लिक बोर्ड में लिख रखा है, आपको जल्दी दे दिखा सकूँ। बनाना सीखो इस पे क्लिक करके इसका, जैसे मैं कलर बना लेता हूँ जल्दी से। मैंने इसे दो बार कर दिया है, तभी अपने सामने दो बार आ गया। मैं इसे डन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर कलर बना लेता हूँ। अपन पहले इसकी फ्रंट चेंज करेंगे, जैसे अभी फ्रंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपन को एनवर्स वाई पर, जैसे ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इसका कलर चेंज करेंगे तभी आपको दिखा देगा कि अपना कैसा है। जैसे इसका मैं एक ही कलर रखना चाहता हूँ ब्लैक, इसमें दो ग्रांटेड कलर नहीं करना चाहता, इसमें ब्लैक रखना चाहता हूँ, या कुछ इस तरह से बनाना पे ब्लैक कर दूँ और सीखों पर मैं अलग कर सकता हूँ। जैसे इसमें ऐसे अपन ब्लैक रखता है क्योंकि अच्छा लगेगा ब्लैक में। और इसको -3 डिग्री पर रोटेट कर लेना है, अपन जैसे क्लिक करेंगे -3 डिग्री पर रोटेट कर लेना है। यह रोटेट कर लिया, उसके बाद इसका साइज कुछ इस तरह से इससे छोटा रखना है। थंबनेल बनाना है, इससे छोटा रखना है थोड़ा सा, कुछ इस तरह से अपन देख पा रहे। अब इसका अपन साइज थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अब देख पा रहे मेरे जैसे थंबनेल बनाना सीखो। एक ही कलर आपको, मेरे को लग रहा है जैसे एक ही कलर हो गया है, एक कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मैं इसे आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब बनाना सीखो। आपको देखो देखो कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से कर सकते हो। कलर आपको सबको पता है, मैं थोड़ा सा इसका हिंट बता रहा हूँ। अब अपन इस पर क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। जैसे बनाना सीखो इसमें आ गया और इधर अपना लॉक हो चुका है। उसके बाद अब आपको एक मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह सबकी लिंक। अब मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, उसको रोटेट करके अपन -3 डिग्री में कर लेते हैं। जैसे रोटेट में जाता हूँ -3 पर, इसको सेट कर लेता हूँ ताकि प्लस वाले आ गए। -3 पे मैं इसे सेट कर लिया और सेव वाले आइकन पे क्लिक करके अपन को इसमें मर्ज करना है इसे, क्या कि इसमें जितनी इसकी साइज है इतनी इसकी साइज रख के इसे सेट कर देना। जैसे इस तरह से इसकी साइज इतनी है और अपन इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इधर अपन इसको इस तरह से करके इसे लॉक कर देंगे। जैसे ये अपन को लॉक कर देना है और इस तरह से कर देना है। जैसे मेरे जैसे थंबनेल बना सको, इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब अपन को क्या लिखना है इधर, अब इधर मेरे को लिखना है, आपको मैं बताऊंगा। दो बार इस पर टैप करेंगे, अब मैं लिखूंगा इधर बनाना सीखो सिर्फ दो मिनट में। अब मैं जैसे मैंने तो लिख रहा है सिर्फ लिख लिया, उसके बाद ओके करता हूँ। इसके बाद कलर इसकी इसकी साइज थोड़ी अपन को क्या है छोटी रखनी है, इसकी साइज क्या है छोटी रखनी है, सिर्फ दो मिनट में। जैसे इसकी साइज सेवी फ्रंट में पहले फ्रंट चेंज कर देते हैं, इसका फ्रंट जाएंगे अपन थोड़ा अपन इस तरह से करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे, जैसे इस पर कलर कौन सा सेट करना है तो मैं बताऊंगा आप अपने हिसाब से। जैसे मैं रेड करना चाहता हूँ इसका कलर, देख पर रेड अच्छा लग रहा है, यानी इस पर अपन को मैच खाना है जैसे अपन को अच्छा लगे। और अपना इतने जरूरी नहीं इसे वाइट रखते हैं क्योंकि मैंने वाइट अभी तक यूज़ नहीं किया। इसे अब इसको मैं इधर सेट कर लेता हूँ सिर्फ कुछ इस तरह से, मैं इसे सेट कर लेता हूँ सिर्फ दो मिनट है मैंने लिख रखा है। उसे अपन क्या करेंगे, उसे अपन थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और उसका कलर भी अलग सा रखेंगे। जैसे मैंने इसे सिर्फ दो मिनट है इस पर क्लिक किया और डन कर दिया। इसके बाद मैंने डन किया, जैसे डन किया तो ओके कर दिया। उसके बाद मैंने कलर में इसका फ्रंट में जाएंगे, पहले ये फ्रंट चेंज करेंगे इसका, अपन थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसे थोड़ा बड़ा रखेंगे जैसे अपन को बड़े साइज में होता है वो वाला रखेंगे। जैसे ये वाला बड़ा है, ये वाला भी बड़ा है, जैसे ये वाला भी कर सकते हैं, पर मेरे को ये वाला अच्छा लगा तो ओके पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से कुछ इस तरह से देना है, ये अपना इधर पहले इधर इसको लेके आना है कि ये गायब ना हो जाए, और इसे थोड़ा बड़ा कर देना है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। मिनट में क्लिक करके उसके बाद इसका कलर चेंज करना है। जैसे मैं इसका रेड रखूँगा, इसका कलर हमेशा रखते हैं अपन कुछ इस तरह का। इसमें क्लिक करके इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी है आप दोस्तों। अब इसका अपन फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, अभी फ़ॉन्ट चेंज करके कुछ इस तरह से अपन इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ दो मिनट में, अब देखो आप दो पर दोस्तों, अब देख पा रहे हो ये कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ दो मिनट में मैं और लेना है अपन को भी। मैंने पहले मैं इसको इधर लेके आता हूँ ताकि ये गायब ना हो बार बार। इसमें मैंने दो बार टैप किया, उसके बाद अपन क्लिक करेंगे और मेरा एक मैंने मे कर रखा है, ओके कर देते हैं और सीधा इसकी साइज़ बड़ी करेंगे वरना ये अपन को दिखाई नहीं देगा। अभी फ्रंट में क्लिक करते हैं, इसका भी मैं कुछ इस तरह से रखूँगा और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, फिर इसको छोटा कर दूँगा, छोटा इस तरह से करके कुछ इस तरह से अपन इसे, ये इसका साइज़ अपन इधर से ही चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि ये अपने हिसाब से मेरे को अभी मैं इस कुछ थोड़ा सा अलग रख रहा है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके मेरे को लग रहा है मैं इसका साइज़ इतना रखूँ, ये कुछ इस तरह से मैं इसका साइज़ रखूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को लग रहा है सिर्फ दो मिनट में। अब कुछ इस तरह का अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे लॉक कर देना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सबको लॉक कर देना है। जैसे मैंने सबको लॉक कर दिया, अब आपको एक मटेरियल डाउनलोड करना है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप मिल जाएगा और यहाँ से आपको सारा मटेरियल मैंने यूज़ किया वो सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब अपन को ये वाला मटेरियल यूज़ करना है, अब अपन को इसे सही वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसे घुमा लेना है कुछ, मैं तो कुछ इस तरह से इसे यूज़ करूँगा तो आपको अपने हिसाब से घुमा लेना है और इसे अपन को थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करना है। जैसे मैं बड़ा करूँगा और इसे मैं कुछ इस तरह से सेट
इस तरह, और इसे मैं लॉक कर दूंगा। और इस पर जैसे मेरे को फोटो लगानी है तो इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मैंने इस पर लॉक लगा रखा तो ये हिल नहीं रहा है। इसके बाद जैसे दोस्तों मैं मेरे हिसाब देख लेता हूँ, देखिए अपने हिसाब से मेरा है तो आ जाएगा, साथ में फोटो भी आ जाएगी। अब आप देख पा रहे इसे लॉक कर देते हैं और इसे क्लिक कर देते हैं सिर्फ दो मिनट में। ये अच्छा लग रहा है, मेरे जैसे थंबनेल बनाना सीखो सिर्फ दो मिनट में। अब अपन को जैसे इसे मर्ज करना है, जैसे अपन लॉक वाले आइकन पे क्लिक करेंगे इसमें मर्ज हो जाइए, तो सिर्फ सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, अपन को यहाँ पे जाना है और इस पर टैप करना है। जैसे अपन को इधर टैप करना है, मेरे जैसे वाला बनाना सीखो ये साथ में है, ये वाला साथ में, सिर्फ वाला साथ में नहीं है और ये वाला साथ में है, तो इसे मर्ज कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है, इसमें मर्ज कर देना है। यू आर श्योर यू वॉन्ट मर्ज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये अपना बार बार हिलेगा नहीं दोस्तों, ये बार बार हिलेगा नहीं, इसमें मर्ज हो चुका है अपन इसमें। अब आपको क्या करना है, सिंपली से अपन शेडो भी देख सकते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। अब अपन इस तरह से कुछ इस तरह कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इधर चले जाएंगे और शेडो देंगे तो इनेबल, ये देख पा रहे हो शेडो आ गया अपना, आप देख पा रहे हो इधर सबका शेडो आ चुका है। कुछ इस तरह से अपन शेडो भी साथ में सब में आ जाएगा, मैंने इसे मर्ज किया तो साथ में ये अब देख पा रहे हो ये बदल रहा है और उधर भी बदल रहा है। मैंने कुछ इस तरह से इसे सेट कर दिया, मैं इसका कलर देखो बार बार चेंज करके भी देख रहे हैं, अच्छा लगेगा वो यूज़ करेंगे अपन। वाइट देखते हैं, वाइट अच्छा नहीं लग रहा है अपन इसका, रेड पहले था, ब्लैक ब्लैक रखते हैं, तो अपन को सही वाला आइकन पे क्लिक करके अब देखो अब आपको क्या करना है। जैसे मेरे पास तो मैं फोटो लेके आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, इसे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके लॉक करके कुछ इस तरह से कर देना है और इंपोर्ट करना है एक फोटो। जैसे मैंने एक फोटो लेके आ चुका और इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फ़ोटो नहीं ली है दोस्तों, ये मैं एक गूगल से इसे लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक फ़ोटो नहीं थी और मुझे अभी वीडियो बनाना था, तभी मैंने इतना नहीं किया और मैं एक फ़ोटो लेके आ गया हूँ कि गूगल पर भी फ़ोटो मिल सकती है। आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है दोस्तों, इसका सिर वगैरह भी आना चाहिए अच्छी तरह, और इसे लॉक कर देना है इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब देखो ये सीधा इस पर आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको इंपोर्ट भी करना है, जैसे मैं दो थंबनेल लगाऊंगा उसका इंपोर्ट करना, सबको आता इंपोर्ट करना, क्योंकि अब मैं करूँगा दोस्तों थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होगी, वीडियो लंबा होगा और मैं एक पिक्सल लैब का एक लोगो भी लेके आ जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने पहले भी दो थंबनेल बना रखे थे, एक ने मैंने किसी का लिया और एक ने मैंने बनाया था दोस्तों। उसके बाद मैंने पिक्सल लैब पे जाके एक पिक्सल लैब की एक पीएनजी लेके आ गया और आपको दिखाने के लिए, और इसे अब अपन इस तरह से कुछ सेट कर देंगे या ऊपर भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। अब अपन को जैसे थंबनेल पे क्लिक करना है, इसे रोटेट कर लेना है। आपको क्या करना है, इधर रोटेट कर लेना, जैसे मैं रोटेट कर लेता हूँ इस पे प्लस वाला आइकन पे, मुझे इसे थोड़ा इधर रोटेट करना है। जैसे -14 पे मैंने किया है तो मुझे इसे अपोजिट में रोटेट करना है, इसे मैं थोड़ा सा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, -7 पे रखता हूँ और सही वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं रोटेट कर लेता हूँ, इसको भी मैं -7 पे रोटेट करता हूँ। जैसे मैं +7 पे इसे रोटेट करता हूँ, अभी मैंने +7 पे लेके आया था, मैं इसे +7 पे लेके इसे रोटेट करता हूँ। मुझे इस साइड करना था, मैंने इस साइड क्यों नहीं किया, हाँ +7 पे रोटेट करना था, उधर -7 पे किया था, इधर +7 पे रोटेट करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, और इसका भी साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखता हूँ साइज़ दोनों की एक बराबर है। तो साइज़ देखने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, ए वाला आइकन पे क्लिक करना है, इधर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपन को सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करना है, जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे अपन को इधर डिफॉल्ट इस तरह से जाना है और साइज़ देखना है, इधर अपन को जाना है इधर कलर इरेजर स्ट्रोक मास्क, इधर अपन को साइज़ देखना है इसका। अपन जाते हैं थोड़ा नीचे, रोटेट जाने के बाद इसका थोड़ा शेडो सही है, ये वाला साइज़ इसका सही है। अब देख पा रहे कुछ इस तरह से, अब अपन इसका थोड़ा सा भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद इसे बीच में रखते हैं। उसके बाद कुछ इसका थोड़ा सा साइज़ मुझे बड़ा लग रहा है दोस्तों, कुछ इस तरह से ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसको साइड में जैसे अपन को अच्छा लगे अपने हिसाब से इसे कर दिया है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे जाना है और शेडो पे क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद अपन को इस तरह से शेडो इसका रखना है, शेडो इसका भी थोड़ा सा, इधर इसका शेडो मैंने गायब कर दिया, फिर से जीरो कर देता हूँ, इसका थोड़ा शेडो सब बड़ा रखता हूँ। स्ट्रोक भी इसे ऑन कर देना है, जैसे ये स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है इधर, अपना स्ट्रोक इसे इनेबल करना है ताकि अपन को अच्छा दिखाई दे रहे। अब आप देख पा रहे हो जैसे मेरा थंबनेल तो रेडी हो चुका है। अब देख पा रहे हो जैसे मैंने यूट्यूब का एक लोगो लगा दिया, एक और लगाना है जैसे मैं 2023 लगा देता हूँ इसमें कि थोड़ा सा अच्छा लगे, इसे क्लिक करके मैं इसे ऑन करता हूँ। उसके बाद मैं 2023 इस पर सेट कर देता हूँ, जैसे मैं 2023 सेट किया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करेंगे अपन इसका, पहले तो फर्स्ट में अपन इसका क्या करेंगे, ये मैंने डिलीट कर दिया, फिर से इसे लेके आता हूँ, फिर से मैं इसे जाता हूँ, ये डिलीट हो जाए तो अपन को इधर ये आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो अपन को जैसे कर पाओगे दोस्तों। अब इसका कलर मैं रखता हूँ, इसका कलर में वाइट पे तो ब्लैक ही अच्छा लगेगा दोस्तों, जैसे वाइट पे तो ब्लैक ही अच्छा लगेगा, मैंने ब्लैक कर दिया। और सही वाला आइकन पे क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, अभी फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, अच्छा सा फॉन्ट रखेंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे और कुछ इस तरह से इसे रोटेट करेंगे ताकि इसमें मर्ज हो जाइए 2023 में, अपन को भी दिखाई दे अच्छा। अब अपन इधर रहेंगे, इधर इसको क्या इधर ये मर्ज कर देंगे इसमें ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा लगे इसका करके, इसे स्ट्रोक वगैरह सब अपन इसमें डाल देते हैं, स्ट्रोक डाल देते हैं फुल, इसका थोड़ा सा स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रोक नहीं डालेंगे, शेडो डाल देंगे, शेडो में ये थोड़ा सा ग्लो वो दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से कर देंगे। उसके बाद इनर में भी इसे भी ऑन कर देंगे और इसे भी सही कर देंगे। उसके बाद अपन इसमें क्या करेंगे, एक लाइन दे देंगे, 3D लाइन पर क्लिक करेंगे, अपन नीचे देख पा रहे रेड रंग की लाइट दे दिए और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये अपना 2023 भी बहुत अच्छा लगे। अब देख पा रहे आपको, अब आपको देखोगे थंबनेल मेरा कैसे, अब इनको अपन लॉक कर देते हैं, जैसे मैंने इस पर सबको लॉक कर दिया है। अब अपन देखते हैं, अब आप दोस्तों वीडियो में कमेंट करके मुझे बता दे देना कि मेरा थंबनेल बनाया आपको कैसा लग रहा है। सिंपली दोस्तों इसे एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली से इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और सेव एज प्रोजेक्ट नहीं करना है, सेव एज इमेज करना है और हमेशा अपने यूट्यूब थंबनेल को
इधर अपन को हमेशा अल्ट्रा पे सेव करना है, वेरी हाई नहीं, अल्ट्रा पे सेव करना है। अल्ट्रा पे जैसे सेव करोगे तो अपना इधर इस तरह से हो जाएगा, तो सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव टू गैलरी पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्टिंग इमेज, ये अपना रीडायरेक्ट करके ये सेव कर रहा है, फुल HD क्वालिटी में सेव हो रहा है। जैसे आप थोड़ा सा ये एड आएगा अभी, क्योंकि कुछ इस तरह से एड आ जाता है। अब एड को मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो कुछ इस तरह से था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, मुझे एडिट करने में भी बहुत टाइम लगा है, और साथ में मुझे इसमें थंबनेल वगैरह बहुत सारी भी मुझे कोशिश करके जैसे मैं इसे थंबनेल बना पाई हूँ। अब आज से मेरे भी थंबनेल इंप्रूव हो गए, आपने देखा मैं भी आजकल थंबनेल बहुत बढ़िया बनाने लगा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।